आज सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर चल रही सियासत। एनकाउंटर पर सियासत उपचुनाव से पहले सूबे के सियासी पारे को बढ़ा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं। सीएम योगी ने कहा भी है वक्त वक्त पर कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी की अब कोई जगह नहीं है। जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वो कहते हैं ना, सियासत अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद को बदल लेती है, ढाल लेती है। जहां जैसा मुनाफा होता है वहां उस तरह से सियासत खुद को बदल लेती है। उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म करने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। ऐसे में एसटीएफ अपराधियों का एनकाउंटर भी कर रही है, लेकिन सियासत अपराधियों के एनकाउंटर में जाति ढूंढ रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड हुआ, मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, इस पर लगातार सवाल पूछे गए समाजवादी पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन डकैती कांड के ही एक दूसरे आरोपी अनुप प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी उतनी मुखर नहीं है जितना एक यादव अपराधी के एनकाउंटर पर मुखर थी। एसटीएफ ने लूट कांड के दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में ढेर कर दिया। 105 शब्दों का ट्वीट अखिलेश यादव ने किया और खुद को अपनी जिम्मेदारी से किनारे कर लिया। लेकिन सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है कि अखिलेश यादव क्या वोट बैंक की आड़ में अपराधियों के एनकाउंटर में उनकी जाति ढूंढ रहे हैं। सवाल इस वजह से क्योंकि अलग अलग जातियों के अपराधियों के एनकाउंटर पर अलग अलग रुख अखिलेश का लिखा उन्होंने। दरअसल आप देखिए किस तरह से लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर थी। इसी अनुज प्रताप को लेकर सवाल पूछा जा रहा था, किसका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है। अपराधियों के एनकाउंटर में जाति ढूंढने वाले अखिलेश यादव को लेकर एनकाउंटर में मारे गए इसी आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पिता का क्या कहना है, सुनिए। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में साफ तौर पर कहा सूबे में अपराध की कोई जगह नहीं है। आज माफिया जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बकस दो बस, आगे से फेरी लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मंगेश यादव के एनकाउंटर का जाति एंगल देकर इसे एनकाउंटर को फर्जी करार दे दिया था। लेकिन अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का ये मौन सियासी मौसम का मिजाज भी बता रहा है। ये झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। सुल्तानपुर लूटकांड में कब कब क्या हुआ ये भी समझिए, पूरी टाइमलाइन क्या है। दरअसल लूटकांड में अब तक 2 एनकाउंटर हुए हैं और ये समझिए पूरी टाइमलाइन क्या रही। 28 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक, यानी 1 महीने में
क्या एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया, ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। दरअसल लूटकांड होता है 28 अगस्त को सुल्तानपुर में। 1 करोड़ से ज्यादा का यहां पर सामान लूटा गया, ज्वेलरी लूटकर ये बदमाश फरार हो गए। इसके बाद पुलिस तलाश करती है, मंगेश यादव के घर पर भी जाती है, मंगेश यादव के परिजनों से पूछती है कि मंगेश कहाँ है। परिजन बताते हैं कि मंगेश मुंबई चला गया। पुलिस उसके बाद ढूंढती उसे और यहां पर जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो जाती है, एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया जाता है। सियासत हुई, फिर 22 सितंबर की तारीख आई। 22 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो सुल्तानपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। अनुज सिंह की डकैती की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अपराधी की जाति को लेकर सूबे की सियासत में किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है, ये बयानबाजी प्रतिक्रियाएं सुनी। समाजवादी पार्टी के समय प्रदेश में किस तरह की अराजकता होती थी 2012 से 17 तक, और सरकारें अराजक लोगों के साथ खड़ी होती थी, दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, तो ये सारा जग जाहिर है। लेकिन हमारी सरकार, जो भी अपराधी है, जो दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब देखिए, चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। जबरन आप FIR कर रहे हैं, जबरन इनकाउंटर कर रहे हैं, तो ये जो STF की थ्योरी है ना, जिस मंगेश यादव की हत्याकांड में फंस गई है, अब ये लगातार अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। एक लूट कांड की इतनी थ्योरी उत्तर प्रदेश में आज तक हमने आपने नहीं देखा होगा। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से चरमराई हुई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर तंत्र पर भी बहुत कठोर टिप्पणी की है। तो मुझे लगता है हर राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून के दायरे में रहकर कानून व्यवस्था लागू की जाए। कहते हैं अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी है। अपराधी जाति देखकर वारदातों को अंजाम नहीं देता, लेकिन सियासत अपने वोट बैंक के लिए अपराधियों के एनकाउंटर में जाति का एंगल निकालकर उसे सियासी मुद्दा बना देती है। हालांकि योगी सरकार के 7.5 साल के इस कार्यकाल के दौरान पुलिस एनकाउंटर्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे ना, तो अपराधियों में जाति का एंगल कहीं नजर नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को, आज से 7.5 साल पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 12,500 से ज्यादा एनकाउंटर दरअसल हुए, 12,500 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, और इसमें 17 पुलिस जवानों की शहादत भी हुई है। इन पुलिस जवानों की, जिन्होंने शहादत दी, उनकी जाति कोई नहीं पूछ रहा। अब तक कुल एनकाउंटर्स की संख्या, जैसे मैंने आपको बताया, 12,525 से ज्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं, और इसमें 207 बदमाशों को ढेर किया गया है। सभी जाति सभी धर्म के इसमें बदमाश हैं। एनकाउंटर में घायल बदमाशों की संख्या, 6500 से ज्यादा बदमाश घायल हुए, 207 से ज्यादा की इसमें मौत हुई है और 6500 से ज्यादा घायल हुए। सबसे ज्यादा मेरठ जोन में 66 अपराधी मारे गए, वाराणसी जोन में 21 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, ढेर किए गए, और आगरा जोन में 16 तक आंकड़ा पहुंचा। लगभग 27,000 आरोपियों को पकड़ा गया और मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस जवानों की संख्या भी 17। इनकी जाति कोई नहीं पूछ रहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने इनसे लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी, उनकी जाति क्या है। मुठभेड़ में करीब 1500 जवान घायल भी हुए, इनकी जाति भी कोई नहीं पूछ रहा है। इस पर कोई सियासत नहीं हो रही है कि जिन पुलिस वालों ने इन बदमाशों से लोहा लेते हुए खुद को घायल किया, खुद घायल हुए या अपनी जान गंवाई, उनकी जाति आखिर क्या थी। अखिलेश यादव के जातिवादी एनकाउंटर के एंगल से अगर बात करें, तब भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर नहीं बल्कि अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं। इसके पीछे एक पूरी जो लिस्ट है एनकाउंटर्स की, वो हम निकाल कर ले आए। एनकाउंटर में लगभग 67 मुस्लिम अपराधी ढेर हुए, और इसके बाद ब्राह्मणों की संख्या, ब्राह्मण अपराधी जो मारे गए उनकी संख्या 20 थी, और अनुज प्रताप का नाम लेकर अब ठाकुरों की संख्या भी 20 हो गई है, जहां पर 20 ठाकुर अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। जाट गुजर अपराधी जो मारे गए उनकी संख्या 17 है। यादवों की संख्या लगभग चौथे पांचवें नंबर पर है, 16 अपराधी मारे गए जो यादव थे अपराध के कारण। दलितों की संख्या 14 है। अनुसूचित जाति के बाकी जातियों की संख्या 3,
और 2 सिख, जबकि अन्य ओबीसी की अगर बात की जाए तो 8 अपराधी ऐसे थे जो अन्य ओबीसी जाति से थे, और बाकी जातियों के लिहाज से भी एक आंकड़ा है, कुल 42 ऐसे अपराधी थे जो अलग अलग जातियों से थे। तो ये वो आंकड़ा है जाति वाइज, कास्ट वाइज किस तरह से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुआ है, और धर्म के आधार पर भी अगर इसका गुणा गणित देखेंगे आप तब भी ये स्थिति क्लियर हो जाती है। मुस्लिम अपराधी 67 जिनका एनकाउंटर हुआ और हिंदू अपराधी 130। तो लगातार इस बात को इशू बनाया गया, खास करके जाति वाले एंगल में। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि यादवों का एनकाउंटर हो रहा है, मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल हुए, और इसी तरह से मुस्लिम अपराधियों के एनकाउंटर में भी ये सवाल उठ रहे थे कि मुस्लिमों को ही खोजकर मारा जा रहा है, पुलिस उनको ढेर कर दे रही है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो ये क्लियर करते हैं कि यादव अपराधियों के एनकाउंटर से ज़्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है, जाट गुजरों का एनकाउंटर हुआ और ठाकुरों का भी एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि वो अपराधी थे। और यही थ्योरी आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार, दरअसल धर्म वाइज भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे ना तो मुस्लिम अपराधियों की संख्या भी दरअसल 67 है और एनकाउंटर में ढेर हिंदू अपराधियों की संख्या 130 है। तो 7.5 साल में सबसे ज्यादा 41 अपराधियों के एनकाउंटर 2018 में हुए हैं। किस साल में कितने एनकाउंटर हुए इसका आंकड़ा अब हम आपको दिखाते हैं। 2017 जिस साल योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली उस साल 28 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ था, और अगले साल 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर सबसे ज्यादा अब तक का 41 अपराधी मारे गए। 2019 में 34 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, 2020 और 2021 में भी 26 अपराधी मारे गए थे। 2022 में आंकड़ा 14 था, 23 में 26 और 24 में अभी तक 12 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट से यह आंकड़ा है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी किसकी सरकार में मारे गए, एसटीएफ ने कब कब उनका एनकाउंटर किया, कौन से बड़े नाम थे, ये समझिए। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आपको पता ही होगा, इसका नाम कुख्यात अपराधी के तौर पर रहा है, सीरीज भी बनी है। श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कल्याण सिंह की सरकार में हुआ था और इसी के लिए बाकायदा पहली बार एसटीएफ का गठन भी यूपी में हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। श्री प्रकाश शुक्ला को कल्याण सिंह की सरकार में एनकाउंटर में दरअसल ढेर किया गया, और इसी तरह से जो दरअसल बागी थे, जो इस तरह के डकैत थे, ददुआ और ठोकिया, इनका भी एनकाउंटर हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मारे गए अपराधियों का भी आंकड़ा अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 19 मार्च 2017 से लेकर अब तक 207 अपराधी योगी आदित्यनाथ की सरकार में एनकाउंटर में मारे गए। अखिलेश यादव की सरकार 15 मार्च से लेकर 2012 से 19 मार्च 2017 तक रही, इसमें 40 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। और इसी तरह से मायावती की सरकार जो 5 साल रही 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 तक, इस दौरान लगभग 261 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, यानी योगी सरकार से ज़्यादा है आंकड़ा। और सबसे ज़्यादा एनकाउंटर्स में मारे गए अपराधियों का आंकड़ा है मुलायम सिंह यादव की सरकार में, 499 एनकाउंटर दरअसल हुए थे, 499 बदमाशों को ढेर किया गया था, और मुलायम सिंह यादव की सरकार 4 साल की सरकार थी, बाकी का जो आंकड़ा आपने देखा वो 5-5 साल का था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जाति वाइज, धर्म वाइज और सरकार के साथ साथ हर साल में किस तरह से एनकाउंटर हुआ है, उसके आंकड़े आपके सामने हैं, और आप खुद तय करिए कि क्या जाति देखकर एनकाउंटर किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं, ये तमाम सवाल यहाँ उठ रहे हैं।